हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ, अपन आज एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। एडजेक्टिव यानी विशेषणता के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो अपन को ये आना चाहिए कि कौन सा एडजेक्टिव किस प्रकार का होता है ना। तो अपन को ये क्लियर होनी चाहिए चीज। तो पहले देखिए, फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता। जो कोई चीज गुणवत्ता के बारे में बात करती है तो वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। जैसे देखो, गुणवत्ता में क्या क्या होता है, जैसे अच्छा, बुरा, है ना, जैसे गुड, बैड, रेड, है ना, व्हाइट, ब्लैक, ब्लैक यानी काला, रेड, ये सब किसको बताते हैं, क्वालिटी को दर्शाते हैं। टाल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, अगली यानी क्या होता है, बद्दा, और लॉन्ग यानी लंबा। तो ये चीज आपको किसको क्वालिफाई करेंगे, ये क्वालिटी और क्वालिटी को, गुणवत्ता के बारे में, ये गुण मनुष्य के गुण के बारे में बात बताएंगे। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो देखिए, इसमें कौन कौन से आएंगे, गुड, बैड, रेड, ब्लैक, शॉर्ट, टाल, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, अगली, ये सारे इसमें आते हैं, है ना। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या होता है, क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी होता है मात्रात्मक। ये तो होता है गुणात्मक, इसको तो अपन कहेंगे गुणात्मक। हिंदी में कैसे कहेंगे, इसको तो कहेंगे गुणात्मक और इसको कहेंगे मात्रात्मक। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव इसको कहेंगे अपन क्या, मात्रात्मक। तो मात्रात्मक देखो कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, तो इसमें होते हैं मात्रात्मक, जैसे कम, थोड़ा, ज्यादा, अधिक, सभी, अधिकांश। तो ये किसको दर्शाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दर्शाएंगे। इसमें कौन कौन से होंगे, सम, एनी, नो, लिटिल, मच, आल, आल भी देखो इसमें आएगा, लिटिल भी, न के बराबर, मच, अधिक, नो, नहीं, ये किसको दर्शा रहा है, नो यानी नहीं, ये भी किसको दर्शाएगा, क्वांटिटी को दर्शाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो एनी है, एक नो है, ये तो आपको याद रह जाते हैं, सम, लिटिल, मच, अधिक, कम, है ना, और इसमें से एनी, नो, आल, है ना, ये थोड़े से अपन को याद रखने होंगे। पूर्ण, संपूर्ण, तो ये किसको बताएगा, संपूर्णता के बारे में बताएगा। एनर, पर्याप्त, सफिशियंट, पर्याप्त, नन, कोई नहीं, है ना, तो ये भी होता है इसमें, मोस्ट, अधिकांश। तो ये क्वालिटी आपको क्वांटिटी के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में दर्शाएंगे। इसके बाद में देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इसमें नंबर यानी संख्या के बारे में दर्शाएगा। अब देखो, संख्या के बारे में कौन कौन से एडजेक्टिव हो सकते हैं, एक तो वन, एक हो सकता है टू यानी एक, या दो, थ्री, तीन, एक, ये हो सकता है। देखो, एडजेक्टिव नंबर में दो प्रकार के होते हैं, अपन इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे जब देखना। तो एक तो होता है कोर्डियल, एक तो होता है कोर्डियल, और एक होता है क्या, एक तो होता है कोर्डियल और एक होता है इसमें ओर्डियल, यानी एक तो संख्या के बारे में बताएगा और एक बताएगा अंकों के बारे में। तो वो उसके बारे में अपन अध्ययन बाद में करेंगे, पहले इसी को देखिए। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें कौन से हो गए, एक, दो, नेक्स्ट, अगला, लास्ट, अंतिम, फर्स्ट और सेकंड, ये अपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शाएंगे। इसमें थर्ड, मैनी, बहुत सारे, फ्यू, न के बराबर। अब देखो, लिटिल, लिटिल तो देखो इसमें आएगा, है ना, और फ्यू किसमें आ रहा है, फ्यू यानी अपन जिसके बारे में गिन सकते हैं, काउंटेबल कर सकते हैं, तो वो किसमें आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। इसको याद कर लेना, याद कर लेना क्या, इसको ध्यान दे लेना, मैम, फ्यू, फ्यू किसमें आएगा, फ्यू एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव क्वालिटी में। ए फ्यू होता कुछ, ए फ्यू होता, यदि ए फ्यू होता तो फिर किसमें आता, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में, यानी कुछ, कुछ के बारे में दर्शाता, तो ज्यादातर किसमें आएगा, नंबरिंग में दर्शाएगा। इसके बाद में आता है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी जो व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान, व्यक्ति, यानी प्रॉपर के बारे में बात बताता हो, वो कौन सा एडजेक्टिव कहलाता है, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे इंडियन, भारतीय, अमेरिकन, है ना, अमेरिका, जैसे अमेरिका से अमेरिकन, इंडिया से इंडियन, चाइना, चीन से चाइनाज, रूस से रशियन, तो ऐसे वर्ड बन जाते हैं। तो ये वर्ड क्या बनते हैं, ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर एडजेक्टिव का रूप ले लेते हैं। इसके बाद में आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब किसी नाउन, प्रोनाउन से पहले बैठकर किसी किसी के बारे में विशेषता बताते हैं, यानी उसी के बारे में विशेषता बताते हैं, तो वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे माई, माई आ जाएगा, ओवर आ जाएगा, योवर आ जाएगा, हीज आ जाएगा, हर आ जाएगा, इट्स आ जाएगा, और देयर है,
आ जाएगा। अब देखो ये पोजिशनल एडजेक्टिव क्या होगा, जैसे माई नेम, अब नेम क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ गया, पोजिशिव एडजेक्टिव आ गया। ऐसे पोजिशिव एडजेक्टिव हो जाएंगे क्या, माई ओवर योवर इज हर इट्स देयर, तो ये आपके सम्मिलित होंगे पोजिशिव एडजेक्टिव में। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिवाइडेड करता है, जैसे ईच अलग अलग करता है, जैसे ईच एंड प्रत्येक, काउंटेबल के लिए किया जाता है ईच एवरी प्रत्येक आइदर नाइदर या तो ना तो एवरी प्रत्येक ईच प्रत्येक, तो ये कौन से एडजेक्टिव कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आएंगे। इसके बाद में आता है डेमोनिस्ट्रिक एडजेक्टिव। डेमोनिस्ट्रिक जैसे आपने डेमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन पढ़ा था वैसे, जैसे दिस दैट दीज दो सच द सेम, ये क्या थे, डेमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन थे, लेकिन ये क्या है, डेमोनिस्ट्रिक एडजेक्टिव में भी आएंगे। एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बताएंगे, एडजेक्टिव के रूप में काम आएंगे, यदि प्रोनाउन के बारे में काम करता है तो प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो दिस इसमें दिस दैट दीज दो सच और द सेम भी डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोनिस्ट्रिक एडजेक्टिव होते हैं। इसमें सेम एनी सर्टेन एनी अदर अदर अनदर ये भी हो सकते हैं डेमोनिस्ट्रिक प्रोनाउन में। इसके बाद में देखिए इंटरगेटिव एडजेक्टिव। इंटरगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव शुरू में आ जाए, क्या आ जाए, एडजेक्टिव शुरू में आ जाए और इंटरगेटिव के रूप में उसका विशेषता बताता हो तो वो आपका इंटरगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे व्हाट विच हुज ये क्या कहलाएगा, इंटरगेटिव एडजेक्टिव होगा। अब लास्ट में आता है सेकंड लास्ट आता है इमेजिंग एडजेक्टिव। जब किसी एडजेक्टिव जोर देते हुए बताता है, किसी सेंटेंस में जोर देते हुए बताता है, एडजेक्टिव के बारे में विशेषता बताता है तो वो इमेजिंग एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ओवन वेरी, जैसे मैं कहूं आई दिस कार इज ओवन, यह कार मेरी है, ओवन माई सेल्फ, तो यहाँ पे ओवन एंड जोर देते हुए बता रहा है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, इमेजिंग एडजेक्टिव। इसके बाद में आएगा एस्केलेटिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है, विश्व में बौद्धिक के बारे में बताता है, यानी एकदम अपन को विश्व के बारे में बताता है, तो ये एडजेक्टिव किस में होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। जैसे हाउ व्हाट ये हो सकते हैं, जैसे व्हाट इज व्हाट है बिल्डिंग्स, हाउ मेनी मतलब कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, तो हाउ ए बिल्डिंग्स ब्यूटीफुल, तो ऐसे एडजेक्टिव आपके कौन से एडजेक्टिव कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो थैंक यू, लाइक एंड शेयर, ओके।